हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने वाली हूँ अचारी चिकन। अचार के शौकीनों के लिए ये एक परफेक्ट रेसिपी है क्योंकि ये बनता है अचारी मसालों में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इस चिकन को बनाने के लिए सबसे पहले अचारी मसाला तैयार करेंगे। यहाँ मैं ले रही हूँ 3/4 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून राई, 1 टीस्पून मेथी दाना और 2 सूखी लाल मिर्च। इसे हमें दरदरा पीसना है जैसे अचार के लिए किया जाता है। ये देखिए अचारी मसाला तैयार है। आइए अब चिकन कुक करते हैं। यहाँ पर मैंने आधा कप तेल लिया है। अचारी चिकन है तो तेल कुछ ज़्यादा डलेगा। तेल गर्म होने पर इसमें हम डालेंगे 3 सूखी लाल मिर्च। अब इसमें मिलाएंगे 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे कुछ देर धीमी आंच पर भूनेंगे। ध्यान रखिएगा ये जलने ना पाए। अब इसमें अचारी मसाला ऐड करेंगे। इसे भी कुछ सेकंड्स के लिए भून लेंगे। अब हम इसमें मिलाएंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। अब इसमें जाएगा आधा टीस्पून हल्दी और आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। अब मिलाएंगे चिकन। ये बोनलेस पीसेस हैं, आप चाहे तो विद बोन भी ले सकते हैं। अब चिकन को 1 से 2 मिनट के लिए इन मसालों के साथ अच्छे से भूनना है। अब मैं इसमें 4 हरी मिर्ची साबुत डाल रही हूँ। आप तीखा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं तो इसे स्लिट करके डालें। अब इसमें जाएगा आधा टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून नींबू का रस। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे और मीडियम हीट पे 15 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे। बोनलेस चिकन जल्दी पक जाती है। अगर आप विद बोन ले रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा वक्त लग सकता है, तो टाइमिंग आप देख लीजिएगा। अचारी चिकन बनके तैयार है। आइए अब इसे सर्व करते हैं। ये चिकन बहुत ही टेस्टी बनती है और अगर आप अचार के शौकीन हैं तो ये आपको बेहद पसंद आने वाली है। इसे आप रोटी या पराठों के साथ सर्व कीजिए, ये बहुत बढ़िया जाता है। इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।